हेलो एवरीवन तो आज का जो टॉपिक है वो एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है एम्ब्रियोलॉजी के अंदर वो यहाँ पे लिखी है आप जैसे इसको पढ़ लेना सेकंड जो आता है स्टेजेस ऑफ द ह्यूमन लाइफ हम ह्यूमन लाइफ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं वन इज द प्री नेटल पीरियड द अनदर इज द पोस्ट नेटल पीरियड तो प्री नेटल पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड द ओवम देन द फर्टिलाइजेशन

फीटस इस पीरियड को बोलते हैं फीटल पीरियड ये लास्ट करता है अप टू नाइन्थ वीक टू द टिल द बर्थ ठीक है और पोस्ट नटल पीरियड को है वो हम बाद में डिवाइड करते हैं फ्रॉम न्यू बॉर्न टू द ओल्ड एज इट इंक्लूड्स द न्यू बॉर्न न्योनेट्स इन्फेंट्स चाइल्ड प्यूबरिटी एडोलसेंट एडल्ट मिडलियर और द लास्ट इज ओल्ड एज प्रीनेटल पीरियड को हम ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर सकते हैं द ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर विच इंक्लूड द फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल टू द थर्टीन वीक सेकेंड ट्राइमेस्टर विच एक्सटेंड फ्रॉम द फोर्टीन टू ट्वेंटी सिक्स वीक ऑफ द गेस्टेशन एज द थर्ड ट्राइमेस्टर विच एक्सटेंड फ्रॉम द ट्वेंटी वीक टू द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी जो ला मेन क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर थ्योरी में वो आते हैं मेस्ट्रल साइकिल और ओवेरियन साइकिल तो मेस्ट्रल साइकिल और ओवेरियन साइकिल में डिफरेंसेस बेसिकली क्या होता है जो मेस्ट्रल साइकिल होगा वो आपके यूट्रस यूट्राइन कैविटी के अंदर होगा वेर एज द ओवेरियन साइकिल जो होगा वो ओवरी के अंदर होगा सो so, इसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल विच कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ दी यूटराइन ट्यूब यूट्रस वेजाइना एंड द एक्स्ट्राजेनाइटेलिया फर्टाइल पीरियड किसको बोलते हैं फर्टाइल पीरियड होता है इज एक्सटेंड फ्रॉम द एज ऑफ द प्यूबर्टी टू द मैनोपोज प्यूबर्टी क्या होती है प्यूबर्टी होती है इन विच ए फीमेल रिचेज द सेक्सुअल मैचोरिटी एंड बिकम कैपेबल फॉर द रिप्रोडक्शन इट अकर्स बाय द एज ऑफ इलेवन टू फोर्टीन ईयर्स मैनोपोज इज द एबसेंस ऑफ द मेस्ट्राइकल फॉर ए पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ्स और मोर इन द लेटर लाइफ ऑफ द फीमेल बाय देन शी इज नो लॉन्गर एबल टू रिप्रोडक्शंस इट अकर बिटवीन the 43 to टू years of the ऑफ द एज ठीक है तो ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल के अंदर बेसिक डिफरेंस सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि वो ओवरी में होगा और वो यूट्राइन कैविटी के अंदर होगा सेकेंड जो चेंज आता है ओवेरियन साइकिल के अंदर होता है इट इज ए रिदमिक चेंज इन द ओवरी विच इन्वॉल्वस फॉर्मेशन एंड मैचोरेशन ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल सेकेंड रिलीज ऑफ द गैमेट्स थर्ड सिक्रेसन ऑफ द ओवेरियन हारमोन सेकेंड जो यूटराइन साइकिल में होता है इट्स कंसिस्ट ऑफ द पीरियोडिक चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। अब एंडोमेट्रियम क्या है वो हम डिस्कस करेंगे लेटर में एंडोमेट्रियम के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं यूट्राइन साइकिल के अंदर वो क्यों होता है इट अकर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द यूटरस फॉर द एम्प्लान एम्पलांटेशन क्या होगा वो हम बाद में डिस्कस करते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो फर्टिलाइज एग है बट जाइगोट बनता है वो इम्प्लांट करता है इनटू द यूट्रस के एंडोमेट्रियम के अंदर तो उसके लिए वो उसको प्रिपेयर करता है अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इट आल्सो नरिश द फर्टिलाइजेड गैमेट्स और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम अकर्स इन यूट्राइन साइकिल ठीक है सो स्टार्ट करते हैं मैन यूट्राइन साइकिल से तो यूट्राइन साइकिल को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें लेयर्स क्या क्या होती है यूट्रस के अंदर तो so, यूट्रस के अंदर बेसिकली तीन लेयर्स होती है जो आउटर मोस्ट लेयर होती है विच इज़ फॉर्मड बाय द कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कॉल्ड द पेरीमेट्रियम जो इनर मोस्ट लेयर लेयर होती है उस वो म्यूकस लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम इन दोनों के बीच में एक मस्कुलर लेयर होती है स्मूथ मसल लेयर जिसको बोलते हैं मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं वन इज स्ट्रेटम फंक्शनली एंड द अनदर इज स्ट्रेटम बेसेली

अब सिंपल सा है मेस्ट्रोल साइकिल और ओवेरियन साइकिल ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके चलते हैं ठीक है तो बेसिकली हमने दोनों ही पीरियड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है ओवोल्यूशन से पहले का टाइम ओवोल्यूशन के बाद का टाइम ओवोल्यूशन के पहले के टाइम को बोलते हैं प्री ओविलट्री फेस और ओवोल्यूशन के बाद के टाइम को हमने पोस्ट ओविट्री फेज बोला है तो मेस्ट्रोल साइकिल की जहाँ बात करते हैं तो प्री ओवलिट्री फेज को हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं क्योंकि इसमें फॉलिकल्स बनते हैं और फॉलिकल्स के अंदर ही सारे इवेंट्स होते हैं तो ये होता है फर्स्ट फोर्टीन डेज का सेकेंड जो सिक्रेट्री फेज होता है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द फिफ्टीन टू और लास्ट करता है अपटू द ट्वेंटी एथ डे तक फॉलिकुलर फेज को हमने फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया फेज जो कि लास्ट करता है अपू थ्री टू फाइव डेज तक और उसके बाद में होता है प्रोलीफ्रेट्री फेज जो लास्ट करता है अप टू फोर्टीन डेज तक ठीक है अब इन बेसिकली हमने मेस्ट्रल साइकिल को तीन फेज में डिवाइड कर दिया मेस्ट्रल फेज प्रोलीफ्रेक्ट्री फेज और सिक्रेटरी फेज अब इनमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं और इवेंट्स के कॉजेज क्या क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट मेस्ट्रल फेज में क्या होता है मेस्ट्रल फेज में ड्यू टू द सडन ड्रॉप ऑफ हार्मोन मेनली द प्रोजेस्ट हार्मोन जो होता है जो कि कॉर्पस लुटियम सिक्रियट करता है इन द ओवेरियन साइकिल वो कम हो जाता है उसके कम होने की वजह से स्पाज में स्पायरल आर्ट्री होता है उसमें स्पाज में होने लग जाता है उसकी स्पाम्स की वजह से इस्चीमिया होता है नेक्रोसिस होता है ऑफ द स्टेटम फंक्शनली लेयर जो है ऑफ़ द एंडोमेट्रियम की और वो शेड ऑफ़ शुरू होना शुरू हो जाती है एक सिंपल सा इवेंट होता है इसके अंदर उसका कॉज क्या है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टन हारमोनस ठीक है सेकेंड फेज आता है इसके अंदर हमारे पास प्रोलीफरेटिव फेज प्रोलीफरेटिव फेज में क्या होता है जो शेड ऑफ हुआ था पहले फेज के अंदर ठीक है उसका हील होना शुरू होता है एंडोमेट्रियम वापस से वो एंडोमेट्रियम हील क्यों होना शुरू करता है बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन हार्मोन ईस्ट्रोजन हार्मोन कौन सिक्रेट करता है ग्राफियन फॉलिकल अगेन इन द ओवेरियन साइकिल सो बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ग्राफियन फॉलिकल्स इन द ओवेरियन साइकिल द रीजनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम अकर इन दिस प्रोलिफरेट्री फेज दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द प्रोलीफ्रेक्ट्रॉलीफ्रेट फेरेशन होना शुरू हो जाता है एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर इससे क्या क्या होता है जो लेंथ होती है ग्लैंड की वो इंक्रीज हो जाती है ग्लैंड बिकम लॉन्ग एंड द स्ट्रीट थर्ड फेज जो आता है इट अबाउट थर्टीन डेज का पीरियड होता, होता है इसमें क्या क्या होता है इसमें क्या होता है ड्यू टू द प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस लूटियम एंडोमेट्रियम इंक्रीज इन थिकनेस एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ना शुरू कर देता है पे तो ये तीनों इवेंट्स के अंदर होते हैं और इतना ही आपको लिखना होता है लास्ट साइकिल हमारे पास आता है ओवेरियन साइकिल ओवेरियन साइकिल क्या होता है ओवरी के अंदर होता है ठीक है ओवरी के अंदर होने की वजह से इसको भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया बिफोर ओवल्यूशन

हार्मोन सीक्रेट करता है ईस्ट्रोजन हारमोन विच द यूट्रस बाय द ब्लड दिस ईस्ट्रोजन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलीफ्रेटिव फेज ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस इन द दूट्राइन साइकिल दैट्स इट अब ये ग्राफियन फॉलिकल है जो ओवम रिलीज कर देता है ओवम रिलीज करने के बाद में ये रिलीज कैसे करता है वो आता है सिक्रेटरी फेज में अंडर द इफेक्ट ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अगेन सिक्रेटेड बाय द इंटीरियर लोब ऑफ द ग्लैंड ग्राफियन फॉलिकल ने ओवम रिलीज कर दिया रिलीज करने के बाद जो बचा पार्ट था उसको द ट्रांसफॉर्म इन टू द येलो बॉडी कॉल द कार्पस लूटियम ठीक है ये कार्पस लुटियम क्या करता है वापस से सीक्रेट करता है प्रोजेस्ट्रॉन हॉर्मोन विच कैरी आउट टू द यूट्रस बाय द ब्लड अब प्रोजेस्ट्रॉन क्या काम करेगा इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेटरी फेज ऑफ द एंडोमेट्रियम इन द दूट्रेन साइकिल ठीक है अब ये सारे के सारे फेजेज हैं फॉलिकुलर सिक्रेटरी फेज ऑफ द ओवेरियन साइकिल पॉलिकुलर और सेक्रेटरी फेज ऑफ द मैस्ट्रल साइकिल ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं ठीक है अब जो ओवम है अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो उस कार्पस लुटियम का क्या होगा अगर वो ओव फर्टिलाइज हो जाता है तो ये जो कार्पस लूटियम है इट बिकम द कार्पस लुटियम ऑफ प्रेगनेंसी जो कि रिलीज करता है प्रोजेस्ट्रॉन ये प्रोजेस्ट्रॉन काम करता है एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांटेशन को सही तरीके से करने में ठीक है आफ्टर द फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ये कार्पस लूटियम और इसका जो काम है ये रिप्लेस हो जाता है बाय द प्लेसेंटा ठीक है सेकेंड ऑप्शन आता है हमारे पास कि इफ द फर्टिलाइज फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर अगर नौ दिनों तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये कार्पस लूटियम जो है डिक्रीज इन साइज ये डिजेनरेट होना शुरू कर जाता है एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए स्मॉल मास ऑफ द फाइब्रस टिश्यू जिसको बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस कार्पस एलबी कैंस बन गया कार्पस ल्यूटियम डी जनरेट हो गया कार्पस ल्यूटियम डी जनरेट होने की वजह से प्रोजेस्टन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है ब्लड के अंदर तो प्रोजेस्टन हार्मोन का लेवल कम होने से वापस मेस्ट्रोल साइकिल का जो मेस्ट्रोल फेज था वो स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो ये दोनों साइकिल एक दूसरे के साथ को रिलेट करते हुए चलते हैं इन्हीं दोनों क्वेश्चन आता है आप इसको फिजियोलॉजी में भी पढ़ोगे तो यहाँ के लिए इतना काफ़ी है